गोविंद जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी कि एक एक करके कई रियायतें सामने आ गई हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो अभी भी वही है, भीड़ उसी तरह से बैंकों में लगी हुई है। क्या वजह माने, क्या जो रियायतें हैं वो आम लोगों को दी ही नहीं जा रही? अभिलाषा, जिस तरह की स्थिति है, जितना जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की थी, जितना आत्मविश्वास उनकी बातों में था, वो लग रहा है कि जमीन पर जब काम हो रहा है तो वो आत्मविश्वास वहाँ उसका प्रतिध्वनित नहीं हो रहा है। लगातार फैसले आ रहे हैं, एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं, परस्पर विरोधी फैसले आ रहे हैं, और जो फैसले आ रहे हैं उनके बारे में उनका अनुपालन नहीं हो पा रहा है जी। तो कहीं कहीं ये चीज़ साफ दिखती है कि जो पूरी मशीनरी इसको, इस काम को कर पाने कर रही थी, वो उस मशीनरी की क्षमता ऐसी नहीं थी, और उस क्षमता की कमी का, अपने संसाधनों की कमी का आकलन जिस वक्त ये घोषणा की गई थी उस वक्त शायद ठीक से लगाया नहीं गया था। जी, जी। तो स्थिति यह है कि मन से लोग अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि एक अच्छा फैसला है। आम आदमी की जहाँ तक बात है, वो अपनी तमाम परेशानियों के बावजूद 10 में से 7 आदमी ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, अच्छी बात है, अच्छा फैसला है, बाद में देश को फायदा होगा। लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो वैसे होती नहीं दिख रही हैं। जो मुद्रा की कमी बैंकों के पास है वो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का है, और इसी की वजह से अगर शादी वाले लोगों को ये जानकारी मिलने के बाद जब वो बैंक में जाते हैं, पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है, किसानों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, हम ही ने अभी अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया है जी। तो इन चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि जो घोषणाएं हैं, जो फैसले लिए जा रहे हैं, और जो जमीनी सच्चाई है, दोनों के बीच में बड़ा वैक्यूम है, बड़ा गैप है, और वो गैप फिलहाल पूरा नहीं होता दिख रहा है, और शायद इसी वजह से जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, लोगों की दुश्वारियां हैं, वो बढ़ रही हैं, और लोगों का कहीं कहीं मतलब सब्र की जो एक सीमा है वो भी शायद अब इंतहा की तरफ जा रही है, और लोग परेशान, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हालांकि कुछ शहरों में चीजें ठीक होती हुई भी दिख रही हैं, बहुत सारी जगह जहां मोबाइल वॉलेट की सुविधा है उससे व्यापार में थोड़ा बहुत स्थितियों में परिवर्तन आया है। बहुत बड़े शहरों में जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उन्होंने अपने संस्थानों के अंदर ऐसी व्यवस्था कर दी है कि उनके कर्मचारियों को बाहर न जाना पड़े, उन्हें वहीं वॉलेट के जरिए 1000 रुपये के, कम से कम अब 2000 उसकी सीमा हो गई है, इतना पैसा मिल सके। लेकिन ये उपाय जो है वो संपूर्ण उपाय नहीं है। सरकार को अपनी घोषणाओं पर कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए, और जो भी घोषणाएं करें उन घोषणाओं का जमीनी स्तर पर अनुपालन हो सके। जब तक इसकी श्योरिटी ना हो तब तक कोई नई घोषणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे भी लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, लोगों का कंफ्यूजन की स्थिति